वहीं बिहार पुलिस को अपहरण के एक मामले में पूर्व मंत्री और नीतीश के खास रहे कार्तिक कुमार की तलाश है, लेकिन कल तक जो नीतीश कुमार के बगल में बैठते थे आज वो पुलिस से छिप रहे हैं। कार्तिक कुमार नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे, लेकिन आज पुलिस से भागते फिर रहे हैं। अपहरण के आरोप में बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार को बिहार की पुलिस तलाश रही है, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। कार्तिक कुमार की तलाश में मोकामा से लेकर पटना तक पुलिस खाक छान रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जो मोकामा में पैतृक गांव है वहां पे भेजा गया था तमिलनाडु कराने के लिए, वो वहां पे नहीं पाए गए। कल पटना में इनका यहां पे रेजिडेंस है, कंकड़बाग भी वहां पे भेजा गया था, नहीं पाए गए। आज उसको बेतामिला करते हुए हम लोग कोर्ट को वापस कर रहे हैं और उनके भी अगर तक कार्रवाई होगी जानी कि कोर्ट उनके भी नॉन एलिजिबल वारंट निर्गत करेगा और इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को भी है। है ना हैरानी वाली बात, जो पुलिस पटना की सड़कों पर निहत्ते छात्रों को पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा देती है, वो अब नीतीश के पास बैठने वाले पूर्व मंत्री को ढूंढ नहीं पा रही है। हालांकि कार्तिक कुमार के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है, वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने में कोई कोताही नहीं बरत रही। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि जिस राजू सिंह के अपहरण का वारंट निकला है उसकी पत्नी पर समझौते के लिए दबाव बनाया गया है। ये आरोप लगाया है कि 20 अगस्त को दोपहर में 1 से 4 के बीच में जेल के भीतर 4 लोगों को प्रवेश कराया जाता है, राजू सिंह को बुलाया जाता है और उन पर दबाव डाला जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लें। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कार्तिकेय सिंह अनंत सिंह के दाहिने हाथ हैं, जिन पर AK-47 रखने के आरोप में जिनकी मेमोरी खत्म हो गई है। अपहरण केस के आरोपी कार्तिक कुमार को विवाद के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।